हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज मैं तीसरे दिन यहाँ पे आया हूँ, रोहतास जिला बिहार सासाराम। ये जगह का नाम है बरमसिया। ये जमुआर के आसपास पड़ती है और जहाँ पे मेरा मेडिकल नारायण मेडिकल कॉलेज है वहाँ से बहुत ही तकरीबन 10-15 मिनट चलती है। और यहाँ की जो देखिए यहाँ के आसपास की व्यू मैं आज आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ के आगे पीछे, यहाँ के दोस्तों ये बड़मसिया मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और तीर्थ स्थल भी इसको माना जाता है। तो दोस्तों आप दिखा सकते हैं, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको पायलट बाबा। यहाँ से पायलट बाबा दिख रही है लेकिन बहुत छोटी सी दिख रही है, लेकिन पता नहीं दिखे कि नहीं दिखी पायलट बाबा की जो बनी हुई है। बहुत बड़ा स्थल पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सॉरी दोस्तों, मैं दिखा बड़मसिया की पूरा सारा व्यू दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ तकरीबन आए हुए 10-15-20 मिनट हुए हैं और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दे रहा हूँ नीचे का। देखिए कितना देखने में ऑसम लग रही है, कितना फैंटास्टिक लुक लग रही है देखने में। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के आसपास का व्यू, अच्छा लगता है यहाँ के आसपास का व्यू। क्या अच्छा लगता है क्या यहाँ से अच्छा लगता है? ओहो फिर ठीक है, मैं ऊपर जाके वीडियो शूट कर ले रहा हूँ। जहाँ पे डेंजर इलाका है बात बताया करो भाई, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, मैं यहाँ कभी आया नहीं घूमने, यहाँ मैं रहता हूँ इसलिए आ गया घूमने के लिए। देखिए दोस्तों मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, सबसे ऊपर चल गया हूँ यहाँ के। देखिए आसपास के व्यू देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरी तरफ लेके आ गया हूँ। दोस्तों मैं आपको दूसरी तरफ की लुक दिखाऊंगा अब यहाँ की बड़मसिया की। ये बड़मसिया आपको मैं बार बार रिपीट से दोहरा रहा हूँ, ये बिहार में पड़ती है, सासाराम जगह की नाम है, ये यहीं पड़ती है। और जमुहार गांव है, एक जमुहार गांव से इसका रास्ता है, मात्र 5 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ वाटरफॉल भी है, बहुत कुछ है घूमने लायक। दोस्तों एक बार आइए यहाँ का, एक दर्शन लीजिए। देवों का देव महादेव, तो महादेव नगरी तो कहाँ ही जाता है, लेकिन सच में है। आप आइए यहाँ, देखिए यहाँ का लुक और देखिए यहाँ पीछे बसा हुआ है सासाराम। सासाराम पीछे बसा हुआ है सासाराम सिटी, वो सिटी है, बीच में गांव भी है। थोड़ा दिख नहीं रही है, धुंधली आ रही है फ़ोटो, बिकॉज मैं कैमरे से नहीं, अपने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अब तीसरे साइड लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए यहाँ का व्यू। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगी, यहाँ का जो देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही क्यूट सा व्यू दिख रही है। आप देख सकते हैं पूरा व्यू, देख सकते हैं आपको मैं पूरा व्यू दिखा सकता हूँ। ये बड़मसिया की इसको पहाड़ी कहा जाता है, सबसे ऊँचे इलाके पर है। यहाँ से नीचे पूरा सासाराम बसी हुई है, पूरा सासाराम गांव बसी हुए है। शायद यहाँ से आपको दिख जाए मंदिर, नहीं दिखेगी सॉरी दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे कैमरे में वहाँ जाके। फिलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ का मैं आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ का, चारों तरफ का एरिया देखिए। यहाँ वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड है, वो फ़ोटो ले रहे हैं। और देखिए यहाँ का दोस्तों व्यू देख लीजिए आप यहाँ का। तो दोस्तों सोचा था आज मैं यहाँ नहाऊँगा, लेकिन कम वक्त बारिश ही नहीं पड़ रही है, मैं कैसे आ पाऊँगा। देखो मेरे फ्रेंड लोग मेरे को कॉल चिल्ला के बुला रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड लोगों के पास। आज बहुत सारे यहाँ पे घूमने की जगह है, तीसरे चौथे पश्चिमी नंबर, तकरीबन 9 नंबर तक घूमने की जगह है, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग बुला रहे हैं। हाँ बोलो मोहित, क्या कह रहे हो? मैं यहाँ थोड़ा ब्लॉगिंग शूट कर रहा था, यहाँ का देख रहा था व्यू। देखिए ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे साथ विष्णु जी आए हुए हैं जो जमुआर के ही रहने वाले हैं, और ये आए हुए हैं, ये हमारे गाइस। हाँ ये और एक आए हुए हैं, आपका नाम भूल जाते हैं बार बार, क्या? निर्भय। ये निर्भय जी हैं जो जमुआर रोहतास के ही हैं। और मैं मिला दे रहा हूँ, ये हमारे मोहित जी हैं जो हमारे साथ ही आजकल रहते हैं, और ये मोहित सिंह। यहाँ से अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है और मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं ड्यूटी एब्सेंट नहीं कर सकता, वैसे भी मेरा बहुत सारा एब्सेंट लग चुका है। चलिए ना वापस चलिए उस। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ वापस, फिर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मेरा ड्यूटी है।
देखिए दोस्तों, यहाँ का व्यू आप देखते रहिए, मेरी बात तो सुनते ही रहिए, लेकिन यहाँ का व्यू देखना मत छोड़िए। मैं अभी थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, जो दिखता है घर अच्छा सा, थोड़ा सा एक बार मेरे को दे दो वो थोड़ा सा। देखो दोस्तों, बुरा मत मानना, मेरे को खाने की आदत है, रजनीगंधा थोड़ा मैं बहुत खा लेता हूँ, उसके लिए मम्मी भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी आदत सही हो गई है, सॉरी। दोस्तों मैं बताया था ना, मेरी गंदी आदत वो मेरे मुंह में डाल दी गई, उसके लिए सॉरी दोस्तों, कान पकड़ के क्षमा मैं करता हूँ, बस मेरी खाने की थोड़ी सी आदत हो गई है, मतलब उसके लिए सॉरी, बिल्कुल सॉरी। देखिए मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, ये जो है बरबीघा, इसकी उल्टी साइड की ये वीडियो है, उल्टी साइड की ये फोटो है। देखिए यहाँ से कितना अच्छा तगड़ा लुक है, देखिए यहाँ का। और इसी बीच में गोपी बीघा जमुआड़ गांव पड़ता है, जहाँ जमुआड़ गांव में मेरे मेडिकल कॉलेज है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ बड़मसिया से अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी भी है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी ऊपर में था, बहुत काफ़ी ऊपर में था, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। दोस्तों विशु जी कहाँ चले गए? ओ सुशु, ओके ठीक है, तब तक जा रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों कितने नीचे हैं, मेरे फ्रेंड लोग सब जा रहे हैं, मेरे को भी जाना होगा। ओके बहुत दूर है, पता नहीं मैं टाइम पे ड्यूटी पहुँच पाऊँगा कि नहीं। दोस्तों अभी मेरे को बहुत नीचे जाना है, हम बहुत परेशानी, चढ़ने में तो कोई आसानी नहीं होती है, लेकिन उतरने में बहुत आसानी, बहुत मुश्किल झेलनी होती है। रोड कैसा है मेरे को यहाँ से पता नहीं, पैदल कूदना होगा कि उतरना होगा मेरे को नहीं पता, मैं कैसे आऊँ, मेरे को ज़्यादा जंप करना होगा मेरे। ओह माय गॉड, ओह शिट, कोई बात नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुई, मैं आसानी से उतर जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे फौज में जाने की शौक थी, लेकिन बचपन से मेडिकल लाइन में आया। एक मेरे दोस्त विष्णु जी फिर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, फ्रेंड्स हेलो, देख सकते हैं कैसे हो आप लोग। देखिए हम लोग के उतरने में पूरी थोड़ी फट रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उतर जाऊंगा, उतनी एबिलिटी है। लेकिन थोड़ी आप लोगों से इमोशनल बात भी मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों से, इसलिए मैं करता हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए अपने कार के पास, कितनी दूर से देखो, कितना दूर गया था, मंदिर देखो, देखो कितनी दूर में इतना दूर से गया था, मैं आ गया, मैं अपनी गोपी के पास आ गया मैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, थैंक यू दोस्तों, बाय टाटा। हम जा रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, देखिए यहाँ का रोड, देखिए यहाँ का आसपास का पहाड़, जा रहे हैं अपने कॉलेज के लिए दोस्तों, मेरा 7 बजे से ड्यूटी है इस वजह से दोस्तों मैं जा रहा हूँ, मेरा है और मेरा एक फ्रेंड है, भाई है, भाई जैसा है। और देखिए यहाँ का आसपास का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो ब्रिज है, तो आज क्या बताऊँ, यहाँ घूम के मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बड़मसिया था ना जगह का नाम, भोले बाबा के जगह का नाम क्या था, कि जो जगह पे गया था, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ नाम उसका, बड़मसिया था, बड़मसिया नाम है, सासाराम रोहतास में पड़ती है, हमारे जमुआर गांव से 5-10 किलोमीटर की किलोमीटर पे है, मेरे को अच्छे से पता ही है, भूल गया बच्चा है। और देखिए यहाँ का आस पास का व्यू फिर से देख रहे हैं दोस्तों, जा रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए फिलहाल, दोस्तों ओके दोस्तों।
लोग को यह जगह अच्छी आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश रहो और कभी आओ घूमने सासाराम रोहतास। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं अपने कॉलेज, मन नहीं लग रहा है इसलिए रास्ते में आप लोग से बात करना अच्छा फील कर रहा हूँ। कितना गाना सुनूँ, बस ड्यूटी ये वो क्लास व्लास, ड्यूटी से छुट्टी मिलती है तो घूमता हूँ। फ्रैंक लड़का हूँ इसलिए आप लोग से शेयर कर देता हूँ, और मैं हमेशा आप लोग के बारे में दुआ करता हूँ आप भी अच्छे करो, इतना अच्छे करो कि अपने पापा और मम्मी का नाम रोशन करो। दोस्तों अगर अच्छी लाइफ जीनी हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तो लाइफ में ज़्यादा पढ़ा नहीं, किसी भी तरह मेरे मम्मी ने मेरे को, पापा ने, मौसा जी ने सपोर्ट किया, इस वजह से मैं इस लायक आया हूँ। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और अच्छा सोचो अपने फैमिली के बारे में।